90 के दशक की तकनीकी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट एक बार फिर नंबर वन बन सकती है। माना जा रहा है कि कंपनी जल्दी ही गूगल, अमेज़न और एप्पल जैसी दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ देने वाली है। वजह क्या है? वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंपनी ने सैन फ्रांसिस्को के स्टार्टअप ओपन एआई में निवेश किया है। ये वही स्टार्टअप कंपनी है जिसने ChatGPT सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। इस सॉफ्टवेयर ने पिछले साल से पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। इसके जरिए मेल से लेकर रिसर्च पेपर तक लिखे जा रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर सवालों के जवाब देता है, कविताएं लिखता है और किसी भी विषय पर सटीकता से लिख सकता है। एक तरह से देखा जाए तो इस सॉफ्टवेयर ने सर्च इंजन की जरूरत को ही खत्म कर दिया है। जानने वाली बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट को अधिकार है कि वो ओपन एआई की डेवलप की गई तकनीक से कोई भी प्रोडक्ट बनाकर बाजार में उतार सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के एआई प्लेटफॉर्म टीम के एग्जीक्यूटिव अधिकारी एरिक पॉयट कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव सत्या नडेला एआई तकनीक के साथ तब से काम कर रहे हैं जब दशक भर पहले तक कई साल विभिन्न सर्च इंजन को लीड करते रहे हैं। वे तब से ही एआई को लेकर काफी उत्साहित थे। उन्हें पता था कि भविष्य एआई का ही है। उस समय भी वे हफ्ते में कम से कम दो बार एआई विशेषज्ञों के साथ बैठकें करते थे जो उनको बताते थे कि कुछ ही सालों में एआई तकनीक दुनिया का चेहरा बदल देगी। या गूगल जैसे सर्च इंजन डिजिटल असिस्टेंट एलेक्सा और सीरी जैसे डिवाइसों के लिए भी नए आयाम खोल सकती है। कई सारी कंपनियां अभी एआई आधारित प्रोडक्ट लॉन्च करने से इसलिए भी घबरा रही हैं कि उनके दुनिया भर में खूब कमाई करने वाले सुपर ब्रांड बंद न हो जाए। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में साल 2019 में 8000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। उसके बाद 16000 करोड़ का निवेश और किया और अब फिर से 80000 करोड़ का निवेश और किए जाने की योजना बन रही है। ओपन एआई ने ही डेल E2 सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसके जरिए डिजिटल तस्वीरें बनाई जा सकती हैं। और इनका GPT-3 सॉफ्टवेयर न केवल लिख सकता है बल्कि तर्क भी कर सकता है और कोडिंग भी। अब कंपनी GPT-4 पर काम कर रही है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे एडवांस्ड टेक्निक होगी। और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला की बात सुने तो उनका कहना है कि अगले 3 साल में दुनिया भर में मौजूद डेटा का 10% AI जनरेटेड हो सकता है। ये समय तकनीकी का स्वर्ण युग है। इस पर इन्वेस्टमेंट बैंक डीए डेविडसन के लिए माइक्रोसॉफ्ट पर रिसर्च कर रहे गिल लुरिया ने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट अगले 3 सालों में ही AI से करीब 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई कर लेगा। वॉशिंगटन से आई इस खबर ने सबको चौकन्ना कर दिया है। और यदि आप में से कोई ऐसा सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, कौन सी नई फील्ड में जाऊं, तो ये सोचने का नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में उतर जाने का समय है। क्योंकि आने वाले समय में जो कुछ भी होगा वो सब AI की टेक्निक ही डिसाइड करने वाली है। ऐसी ही दुनिया भर की खबरें जो आपके काम की हैं, उन्हें जानने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही किसी नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।